Baraka, I can't tell you. Amazing aroma. अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड आई होप यू विल बी डूइंग वेल। दाल चावल की ऐसी शानदार रेसिपी आ रही है जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। जब कोई समय ना आ रहा हो, घर में सब्जी ना हो, इट्स रेनिंग आउटसाइड, स्मॉग है, विंटर्स हैं, तो आप ये दाल चावल की रेसिपी क्रिएट कर लें। इसके तड़के में है सारा मैजिक। इतना जबरदस्त इसका तड़का है, एक ऐसा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट आपके सामने ला रही हूँ जो कि इस दाल को लगा देगा चार चांद। चना की दाल यूज हो रही है, उसमें 1/4 कप मूंग की दाल होगी, छिलके वाली है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज नॉर्मल येलो दाल। और ये प्रोटीन का कम्बो एक जबरदस्त सा तैयार हो रहा है घर के मसालों के साथ, टेस्टी सा दाल तड़का और विद राइस। और मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूंगी, साथ साथ रेसिपी को फॉलो करें। और चैनल पर नहीं है न्यू कमर्स को वेलकम, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तड़का दाल चना। दाल चना को मैंने 1-2 घंटा पहले पानी में सोक कर दिया था। ये तकरीबन 1 कप दाल थी जो कि फूल की इस तरह हो गई है। और ये जो है ये इससे कम लिया हमने, ये 1/2 कप के बराबर मूंग दाल थी। अब यहाँ पर चाहें तो आप छिलका वाली दाल भी ले सकते हैं। कुकर में डाल रही थी मूंग दाल भी, इसमें मिक्स कर देंगे और इसमें पानी डाल देंगे। पानी में नाचो सर डाल के नमक डाली, हल्दी डाली, थोड़े से गरम मसाले थे, 2 लौंग थे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर थी, दालचीनी की स्टिक थी, ज़रा सा ऑयल। वेट लगा देंगे, 4 विसल्स तक हम इसे चलने देंगे। दाल तड़का बनाने के लिए ये चीज़ें जाएंगी तड़का में, पंघार में, साथ ये भी जाएगा। और इसका हम बनाएंगे एक मसाला तैयार करेंगे। मेरे पास लहसुन अदरक चॉप्ड है और इन चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे या फिर इसको पीस लेंगे। और इसके साथ यहाँ पर जाएगा टमाटर जो है, हम इसका मसाले के अंदर टमाटर चॉप करके डालेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं चना दाल तड़का। तड़के में डालने वाला मसाला मैं हाथ से पीस रही थी, आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में कर सकते हैं। थोड़ा सा मसाला था लेकिन मैं हाथ से पीस रही थी। लहसुन अदरक ऑलरेडी पिसा हुआ था, मसाला हमारा दरदरा सा तैयार हो गया कोर्स ग्राइंड। ये जाएगा पंघार में। और 4 विसल तक दाल तैयार हो चुकी थी। खोल के देखते हैं, मैं टमाटर चॉप कर रही थी, 1 टोमेटो इज एनफ। अगर आपकी दाल ज़्यादा है तो आप 2 मीडियम टमाटर भी डाल सकते हैं। फाइन चॉपिंग कर रहे थे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है, हमारा तड़का मसाला तैयार हो रहा है जो कि इस रेसिपी को फुल फ्लेवर देगा और टेस्ट लाएगा। फाइन चॉपिंग कर रही थी बारीक बारीक। तड़का में सारे मसाले की हम एक पेस्ट बना लेंगे थिक सी, और उसके अंदर हम दाल शामिल कर देंगे या फिर यह तड़का मसाला दाल में ऐड कर देंगे। ये देखिए पैन रखा, इसमें ऑयल डाला। आप चाहें तो पहले मसाले डाल सकते थे, साबुत वाले, जीरा और तेज़पात। दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है और ये जिसका थोड़ा थोड़ा सा दाना है फ्रेंड, ये रहेगा, हमने बिल्कुल मैश ही नहीं करना। मैं इसका पानी रिड्यूस करती हूँ और साइड में यहाँ पर हमारा तड़का तैयार हो रहा है। कीप वॉचिंग। जैसे ही प्याज थोड़े से स्टेयर फ्राई होंगे, इसमें तेज़पात का पत्ता, जीरा डाल देंगे, इसे अब सौते करते जाएंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और दाल को साथ साथ देख रहे थे। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा था। इसके बाद मैं जो ग्राइंड मसाला प्रिपेयर किया हमने, तो हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें। अगर पहले डाल देंगे तो वो जल जाएगी और आपको आ जाएंगी छींके। और इसके साथ हम इसमें डाल रही हूँ गार्लिक, और गार्लिक के साथ ये मसाला जा रहा है धनिया, लाल मिर्चें, थोड़ा सा सॉल्ट, और कौन सा वो सीक्रेट मसाला आपको शो करते हैं। हो चुके थे, इसमें डाल देंगे गार्लिक, जिंजर जो कि फ्रेशली ग्राउंड है, करेंगे। अभी देखें प्याज हमारे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं हुए। अब इसमें डाल देते हैं टोमेटो चॉप, ये वो मसाला है जो कि अभी हमने तैयार किया है, पीस कर काली मिर्च, सब्ज धनिया, सॉरी सूखा धनिया और दालचीनी का जो छोटा सा टुकड़ा था, 2 लौंग थे। इस मसाले को इसके साथ हम एक पेस्ट की फॉर्म में लाएंगे। हल्दी, ये मैगी मसाला है नॉर वालों का और ये नूडल्स के पैक में आता है, मैं इसे यूज कर रही हूँ। ये डबल है क्योंकि मेरे पास डबल पैक था, आप सिंगल इसमें यूज करें। ये मसाला 10 स्पाइसेस का कॉम्बो है और एक जबरदस्त सा फ्लेवर लाएगा, इतना अच्छा फ्लेवर लाएगा आपके दाल चावल में कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए जी इसकी करते हैं फाइनल लुक। दाल तैयार है, तड़का लगा के इसको दिखाते हैं आपको।
जो तड़का हमने प्रिपेयर किया है इसे दाल में पोर ओवर कर देंगे, मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और दाल जो कि ठंडी हो चुकी थी दोबारा से हीट अप करेंगे। 2 मिनट्स तक हम इसे कुक करेंगे स्लो फ्लेम। मैगी मसाला मैं भूल गई थी अभी डाल दें, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकाएंगे हम, मसाला मिक्स हो जाए। थोड़ा सा जा रहा है इसमें बटर, बटर से ये मखनी दाल बन जाएगी, क्योंकि मैंने पहले घी बिल्कुल भी नहीं डाला था, बहुत थोड़ा डाला था जिसमें हमारा तड़का प्रिपेयर हो गया था। मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए से हम ढक देंगे और स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। डिनर सर्व करी थी मैं दाना दाना बासमती राइस, साथ में हमारी चना दाल तड़का और लच्छा प्याज अचार होममेड। वाओ जबरदस्त, कितना जबरदस्त मील तैयार हो चुका है और मैं एंजॉय करने लगी हूँ। हाथ से खाया नहीं जा रहा था, खाने की कोशिश तो की थी लेकिन वो स्लिप हो गया, आई एम नॉट यूज्ड टू। हमारे इंडियन फ्रेंड्स बड़े मजे से हाथों से खाते हैं, सुनना भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल तड़का विद राइस आई एम टेस्टिंग, अचार है साथ में और प्याजों के लच्छे हैं, जबरदस्त सा फ्लेवरफुल डिनर। पीछे बनाना नजर आ रहे हैं, अलवी हमेशा यू ही बनाना टांगते हैं, फ्रेंड डोंट माइंड, फ्रेश रहते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि खाने के वक्त बोलना नहीं चाहिए। मैगी मसाले का एक जबरदस्त सा फ्लेवर है इसमें, और जो हमने तड़का मसाला बनाया है ना, और दाल चना की तो वैसे ही फेवरेट होती है सभी की। अलवी के एक फ्रेंड है, वो मेरे हाथ का दाल चावल बहुत शौक से खाते हैं, मैंने उनके लिए रेसिपी क्रिएट की है, जल्दी जल्दी से भी वो आते ही होंगे, मैं उनको सर्व करूंगी, साथ में कुछ और भी है। मिलूंगी किसी नई अपडेट के साथ, स्टे कनेक्टेड।